फुल्लन देवी की मृत्यु को लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव देखने वाली फुल्लन देवी के एक मासूम लड़की से दसी सुंदरी बनने के किस्से आज भी चंबल के बिहड़ों में सुने और सुनाए जाते हैं। फुल्लन की कहानी में कई किस्से हैं जिनके आधार पर कोई उसे सहानुभूति रखता है तो कोई उसे खुखार डकैत मानकर उससे नफरत करता है। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव गुरहा में जन्मे फुल्लन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे घर चला रहे थे। फुल्लन के परिवार के पास केवल 1 एकड़ जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। इस जमीन को लेकर भी उनके पिता तथा उनके भाई के बीच झगड़ा होता रहता था। उनकी जमीन पर उगे एक नीम के पेड़ को बचाने के लिए वह अपने परिवार से लड़ पड़ी थी। फुल्लन की शादी महज 11 वर्ष की उम्र में एक बूढ़े आदमी पुट्टीलाल से हो गई और शादी के बाद ही उसे यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। इसके बाद वो वापस घर भागकर आ गई और अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। जब फुल्लन 15 वर्ष की थी तब उसके गांव के ठाकुरों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पूरे गाँव के सामने उसे निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया। इस घटना को लेकर फुल्लन दर दर भटकती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। इस पर उसने बदला लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ही उसके गांव में डकैतों ने हमला किया। डकैत जाते वक्त फुल्लन को भी अपने साथ उठा ले गए। वहां उसके साथ लगातार रेप होने लगा। यहीं उसकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। दोनों ने मिलकर डाकुओं का एक अलग गैंग बनाया। खुद का गैंग बनाने के बाद फुल्लन ने अपने गैंग रेप का बदला लेने के लिए गांव पर छापा मारा और 1981 में गांव के ही 22 सवर्ण जात के लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना के बाद वो देश की नामी डकैत बन गई। सरकार ने उसके सिर पर इनाम रख दिया। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। वर्ष 1983 में फुल्लन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपील पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस वक्त उसका साथी विक्रम मल्लाह भी मारा जा चुका था और दूसरी गैंग्स के मुकाबले उसका गिरोह कमजोर हो गया था। हालांकि उसने सरेंडर करते समय कुछ शर्तें रखी जिन्हें सरकार ने मान लिया। इसमें पहली शर्त यह थी कि उसे या उसके साथियों को मृत्युदंड नहीं मिलेगा। साथ ही उसे या उसके किसी भी साथी को 8 वर्ष से अधिक की कैद नहीं दी जाएगी। हालांकि फुल्लन को 11 वर्ष तक बिना मुकदमे के ही जेल में रहना पड़ा। वर्ष 1984 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे जेल से रिहा किया। रिहा होने के बाद उसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला। उसने चुनाव लड़ा और जीता भी। वो मिर्जापुर सीट से जीतकर सांसद बनी और सदन पहुंची। एक सांसद के रूप में फुल्लन ने अपने क्षेत्र में पहचान बनाई। हालांकि एक पूर्व डकैत के रूप में संसद चुने जाने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए। जेल से रिहा होने के बाद फुल्लन ने उमेश सिंह से विवाह कर लिया। उमेश सिंह ने वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस तथा वर्ष 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में फुल्लन की बहन मुन्नी देवी ने उमेश पर फुल्लन की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया। वर्ष 2001 में दिल्ली में फुल्लन देवी के घर पर ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले शेर सिंह राणा ने कहा कि यह फुल्लन द्वारा 1981 में की गई सवर्ण की हत्या का बदला था। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। फुल्लन की जीवनी पर 1994 में शेखर कपूर ने बैड इट क्यून नाम से भी फिल्म बनाई। फिल्म की कहानी माला सेन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इंडियाज बैंडिट क्वीन पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में फुल्लन को मेन कैरेक्टर के रूप में रखा गया था, परंतु इस पर उसने आपत्ति जताई और बाद में प्रोड्यूसर और उसके बीच समझौता हो गया और फिल्म रिलीज की गई। फिल्म ने कई सारे अवार्ड भी जीते।